दोस्तों तुहाडे सारयां दा एक बार फिर तो पंजाबी विरसा नैटवर्क दे उत्ते स्वागत है। हर वार दी तरह किसी वड्डी शख्सियत नाल तुहानू मुलाकात इस चैनल दे जरिए असीं करवाउने आ ते अज गल करांगे पंजाबी संगीत दे विच पंजाबी कलाकारी दे विच वड्डियां पैड़ां मारियां जिन्हां ने अमर सिंह चमकीला। सो दोस्तों ज़्यादा करना गल्लां करदा होया मैं सीधा उन्हां दी जिंदगी दे निर्धारित उन्हां दी जिंदगी नाल जुड़िया होया एक किस्सा तुहाडे नाल सांझा करदा आ जिसनूं तुसीं भी सोच के चका चौंध रह जाओगे कि किस तरह अमर सिंह चमकीला होरां ने अपनी इस गरीबी दे विचों एक एडा वड्डा नाम बनाया ते अज पूरी दुनिया दे विच जानिया पहचानिया नाम अमर सिंह चमकीला ते अज 34 साल हो चुके इस दुनिया तो चल गया होया। 34-35 साल पहला उन्होंने गोली मार दी गई सी कुछ शैताना वालों कह सकता है कुछ शैताना वालों उन्होंने गोली मार दी गई सी ते संगीत दे विच बड़िया वड्डिया पैड़ा जितिया ने बड़ा वड्डा नाम है संगीत कलाकारी दे विच अमर सिंह चमकीला। कहिंदे ने पंजाबी दे विच कि अखाड़ा होवे जां मेला होवे ते जां फिर किसी का विआह होवे पिंडां दे विच खास करके अमर सिंह चमकीले दे गाने बिना कंप्लीट नहीं हुंदा विआह भी कोई होवे। तां सो दोस्तो चमकीला नाम तुसीं हुण समझ ही गए होवोगे किड्डी वड्डी शख्सियत होवेगी ते किड्डा वड्डा शख्सियत दा मालक सी तां पर किहो जिहे हालातां दे विचों निकलिया ये जानना तुहाडे लिए जरूरी है कि क्योंकि इहदे नाल एक प्रेरणा भी मिलती है सानू किस तरह असीं गरीबी दे विचों निकल के किस तरह माड़े हालातों तो निकल के एक दुनिया जितने दा सुपना देख लैंदे ने ते किस तरह दुनिया जीती जाती है वो सारा आपां उन्हां दे संघर्ष दे उत्ते थोड़ियां गल्लां बातों दा नाल नाल जोड़ के तुहाडे नाल गलबात करदे आ ते आ जाओ फिर जल्दी कोर संघर्ष दे दिनां जे चमकीले दा मिलन 26 जनवरी 1977 नूं किस सिंह टिक्की नाल गल गिल चौंक लुधियाणा विच होया। उदों किस सिंह टिक्की सुरिंदर शिंदा ते सुरिंदर सोनिया दी जोड़ी नाल ढोलक मास्टर सी ते अमर सिंह चमकीला गायकी दे खेतर विच उडारियां लाउण लई पर तोल रिहा सी। चमकीले ने किस सिंह टिक्की नूं दिली इच्छा दसी ते कहा मैं सुरिंदर शिंदा जी दा शिगिरद पैणा चाहुंदा हां। टिक्की ने सुरिंदर शिंदे नूं बेनती कर चमकीले नूं सुरिंदर शिंदे दा शिगिरद पवा दिता। उन्हां दिनां च शिंदे कोल दफ्तर नहीं सी हुंदा। सुरिंदर शिंदे नूं चमकीले ने गीतकार हरदेव दलगीर उर्फ देव थरीकियां वाले दी कला तो जन्मया गीत एक मुठ हो जो छड़ियो ऐदा होना नहीं गुजारा तीवियां ने होके कठियां कल ढालिया छड़ा करतारा ते सुना के मोहित कर लिया। यही तां चमकीले दी गायकी दा जादू सी जो अज तक मठा नहीं पिया लोकां दे सिर चढ़ के बोल रहा है। अज जमाने ने जिथे तरक्की नाल बुलंदियां नूं छूया है उत्थे चमकीले दे गीत रीमिक्स हो इंटरनेट मोबाइलां गड्डियां ट्रकां अते होर आवाजाई दे साधनां च वजदे सुने जा सकदे हन। उदों सुरिंदर शिंदे कोल दफ्तर ना होण करके चाह दी दुकान वाले प्रीती दी दुकान ते इकट्ठे हुंदे सन। चमकीला आए गयां दे पैरी हाथ लाउंदा ते चाह पानी पलाउंदा सी। इस सेवा भावना नूं देखदिआं इक दिन सुरिंदर शिंदे ने कहा सी धनी राम तेनू आ कीती सेवा दा मेवा जरूर मिलेगा। सो पहला दोस्तों नाल नाल मैं ये भी दस दवां कि धनी राम अमर सिंह चमकीला होरां दा पहला नाम सीगा। गायकी दे खेतर दे विच अमर सिंह चमकीला नाम उन्हां नूं मिलिया। तो नाल अगली गल करदे हां कि समा अपनी तोड़ तुरदा गया हालात बदलते गए। सुरिंदर शिंदे ने बुड़ैल 45 सैक्टर चंडीगढ़ रामलीला का प्रोग्राम 3500 रुपए च बुक किया। कश्मीरी लाल चमकीले नाल नहीं सी ले जाना चाहता क्योंकि प्रोग्राम बहुत घट पैसों से बुक होया सी। किस सिंह टिक्की अपने कोलों किराया खर्च के चमकीले नाल लैके गया। पहले दिन का प्रोग्राम तो अगले दिन रामलीला का प्रधान पहले दिन वधिया रहे प्रोग्राम की वधाई देन आया सी। जिथे ये सारे ठहरे हुए सन गल्लां करदिआं करदिआं उसकी निगाह वाजे नाल छेड़छाड़ करदे चमकीले ते पई तां प्रधान ने इस बन्नी उंगल करके पुछया इस वल बन्नी उंगल करके पुछया ये मुंडा कौन है ये मेरा शिगिरद दे
सुरेंद्र शिंदे ने कहा। उसकी गल का जवाब दिता। प्रधान ने फिर कहा, इसनू भी टाइम दिया करो। दो तीन दिन मगरों टाइम दिता। प्रसिद्ध गीतकार सनमुख आजाद ने धनी राम नू अमर सिंह चमकीला का नाम नाल स्टेज पर पेश किया कि एक कई सदियों तक चमकदा लिशकदा रहेगा। धनी राम ने लोक गथावान के बादशाह कुलदीप माणक का गाया गीत एक जोगी टिल्यो आ गया नी भाभी सुनाया। हजारों के इकट्ठ ने धनी राम तो अमर सिंह चमकीला बने हौसला दिता। बस फिर की सी उस तो बाद गायकी की गड्डी ने अजही रफ्तार फड़ी फिर नहीं मठी पई। चमकीले ने सब तो पहला गीत जोड़िया, मैं डिगी तिलक के छिड़े जेठ ने चुकी। चमकीले ने इस गीत नूं गाउण लई करतार रमले ते सुखविंदर सुखी नूं तैयार कर लिया। पर जदों इस गल दा किसन सिंह टिक्की नूं पता लग गया तां उसने चमकीले नूं इह गीत सुरेंद्र शिंदे तो रिकॉर्ड करवाउण लई सलाह दित्ती। जदों इह गीत सुरेंद्र शिंदा ते भाभी सुरेंद्र सोनिया की आवाज़ 'च HMV ने रिकॉर्ड किया तां इह पंजाब 'च ही नहीं विश्व पद्धर तक गूंजिया। इस गीत नाल चमकीला गीतकारां दी कतार 'च आन खलो गया। इस तों बाद फिर सुरेंद्र शिंदे ने चमकीले दे लिखे गीत दुद्ध वांगू तो फुट गए बिना जाग तो पतलीए नारे रिकॉर्ड करवाए। इस तों बाद गीत दे गया नी डुब जानी दा जेठ गूगल दी धूनी ते फिर गाया चोरी छिपे मिल जाया कर मित्रा वे मेरी माँ परमा दी मारी। चमकीले ते किस सिंह टिक्की इको कमरे च रहिंदे होण करके चमकीला जदों भी कोई गीत लिखदा तां टिक्की नाल सलाह करदा ते सुणांदा ते सलाह करदा कि किस नूं देणा है। इन्हां गीतां ने बेहद मशहूरी खट्टी ते चारे पासे वजे। सुरेंद्र शिंदा दी गल कनेडा दे प्रमोटर नाल हो गई। सुरेंद्र शिंदा सुरेंद्र सोनिया दी थां गुलशन कोमल नूं कनेडा लै गया। ये सुरेंद्र शिंदे दी कनेडा दी पहली फेरी सी। सुरेंद्र सोनिया दा पति कश्मीरी लाल केसर सिंह टिक्की ते चमकीले कोल आया। कश्मीरी लाल ने चमकीले ते केसर सिंह नूं दारू पिला के कहा, असी हुण की करिए, शिंदा तां कनेडा जा वड़िया। किसन सिंह टिक्की ने चमकीले वल हथ करदिआं कहा, भाई चमकीला तां है ना अपने कोल, लिखदा भी है ते गाउंदा भी है, तुसीं मन्नो इस नाल सैट बना के गाउणा शुरू कर दिओ। कुछ दिन पिछों किसन सिंह टिक्की कोल फिर मुड़ आया। कश्मीरी लाल तों पुछण लग्या, ए अन दाड़िया जिहा झल पऊ मार्केट 'च। केसर सिंह ने समझाया, जदों इसके गीत लिखे गीत जिन्हों सुरेंद्र शिंदे ने गाया है वह सुपर हिट होए ने, तो फिर ये क्यों नहीं चलेगा। चमकीले ने सुरेंद्र सोनिया नाल सैट बना लिया ते ए ओ सोनिया दे घर तैयारी करदे। एक दिन केसर सिंह ने चमकीले नू गीत दी तर्ज सुनाई जिहड़ी एक कामरेडा दीआं स्टेजां ते गाउंदे सन। वह गीत सी पखंडी साधा संतां दा करामात विच पूरे गुरु जी साढ़े करामात विच पूरे ते पिछों संगत कहिंदी सी कड़ा मूह दे पूरे गुरु जी साढ़े करामात पूरे। इस तर्ज ते गीत लिखण लई कहा तां चमकीले ने गीत लिखिया, संतां ने पाई फेरी रहे वसदी नगरी तेरी। उदों चमकीले ने चार गीत लिखे, भाभी ए भैन तेरी नाल दियोर तेरा कदों खेडू कंगणा नी टकुए दे टकुआ खड़के बुढ़ड़ा ना जाने पर दू चुगाठनी। इन्हां गीतां तों बिना चार गीत होर तैयार किए। उन्हां दिनां विच सुरेंद्र सोनिया ते चमकीले नूं 150 रुपए प्रति प्रोग्राम मिलदे सन। इन्हां ने कई प्रोग्रामां दे पैसे इकट्ठे कर सलाह कीती कि क्यों ना आपां इक गेड़ा HMV दा ला लईए। इन्हां ने 50 रुपए प्रति सवारी दे हिसाब नाल टैक्सी कर HMV दिल्ली जा पहुँचे। चरणजीत आहूजा ने जहर अहमद नूं कहा, यह दो कलाकार पंजाब तो आए ने, आपां इन्हां नूं सुन लईए। अगों जहर अहमद बोलिया, आहूजा जी अजे किसी नवे कलाकार की इंटरव्यू नहीं करनी। चरणजीत आहूजा झट ते नहीं बोलिया, इस लड़के दे लिखे गीत सुरेंद्र शिंदा ते सुरेंद्र सोनिया की आवाज़ में हिट होए हैं। जदों जहर अहमद ने चमकीले दे हिट होए गीतां दी लिस्ट देखी तां चरणजीत आहूजा साहब नूं कहण लग्या, आहूजा साहब इन्हां नूं सुनना है जां वापस भेजना है, नाले कोई साजी भी नहीं है अजे अपने कोल। सबबी तबला वादक यूसुफ
खान ते ढोलकी मास्टर बसंती किसी कलाकार की रिकॉर्डिंग लिए आन पहुंचे तो चरणजीत ऊजा ने कहा जल्दी करो पहले इन्हें पंजाब तो आए कलाकार सुन लीए क्योंकि मगरों दूजे कलाकार की रिकॉर्डिंग है। चरणजीत ऊजा ने वाजा ते दूजे साजियां ने आपो अपने साजा नूं सांभदिया इन्हां तों चारों गीत सुने जिन्हां दी चमकीले ते सोनिया ने तैयारी की हुई सी। जहर अहमद ने चरणजीत ऊजा नूं अपने दफ्तर बुला के कहा कि इन्हां नूं आपां तां रिकॉर्डिंग दी तरीक दे दईए। सो दोस्तों इसी तरह किस तरह तुसीं देखिया कि अगली गल भी मैं तुहाडे नाल सांझी करांगा कि इस तों बाद की होया सी। ये असीं एक पार्ट वन बना रहे हैं कि अमर सिंह चमकीला होरां ने किस तरह शुरुआत की कि उन्होंने इस गरीबी के विचों हालातों के विचों निकल के किस तरह उन्होंने सांझ पई कलाकारां नाल वधेरे कलाकारां नाल ते फिर उस तो बाद सांझ तो बाद उन्होंने किस तरह अपनी उपलब्धि हासिल की किस तरह उन्होंने नाम चेंज होया ये सारिया गल्लां मैं तुहाडे नाल सांझियां कर रहा इस वीडियो दे विच। पर इस तो बाद जदों उन्होंने डन हो गया कि उन्होंने एच एम बी तो गाने रिकॉर्ड करवाने ने उस समय की सब तो वड्डी इंडस्ट्री सी एच एम बी तो जदों सारा कुछ डन हो गया तो उस तो बाद की होया ये भी तुहाडे नाल सांझा करांगे। पर इस तो पहला मैं हुण लई इस वीडियो दे विच इजाजत चाहुंदा आ अगली वीडियो भी तुहाडे नाल एक दो दिन तक शेयर कर देवांगे। धन्यवाद दोस्तों इस चैनल नूं सबसक्राइब करना ना भुलना ताकि तुहानूं समय समय से असी पंजाब दीआं होर महान शख्सियतां बारे जाणू करवांदे रहिए। धन्यवाद दोस्तों।